थैंक यू योगेश थैंक यू गवर्नर मेरा सवाल सर आपने जो रिसेंटली एक कॉमेंट uh, दिया था अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो बैंक्स में गैप्स दिख रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से uh, जब बैंक्स को ये कहा गया आपने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखा है uh, क्या मेजर्स आप uh, कुछ स्पेसिफिक ले रहे हैं उनके खिलाफ जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उस पर क्या व्यू बनाए सर अब तक देखिए कोई भी संस्था में किसी वक्त उसमें इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप रहता है और हमारे जो बैंक है वैसे मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि पिछले कई सालों में जब एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू हुआ फिर उसके बाद कई सारे स्टेप्स हमने लिए हैं बैंक गवर्नेंस गाइडलाइंस हमने इशू किया 2021 में गवर्नेंस गाइडलाइंस हमने इशू किया है और एन सेक्टर के लिए न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी इशू किया है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी इशू किया है उनमें ये जो इंस्टीट्यूशंस है बैंकों में जो अवेयरनेस है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस एक्सेट्रा वो काफ़ी बढ़िया है अभी आई कैन टेल यू दैट द बैंक्स आर फार मोर सेंसिटिव विथ रिगार्ड टू रिस्क मैनेजमेंट एंड विथ रिगार्ड टू अदर एरियाज विच फॉर्म पार्ट ऑफ गवर्नेंस नेमली रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एंड इवन इंटरनल ऑडिट एंड सो दे फॉर काफी सुधार उसमें आया है और आगे भी जाके सुधार का मतलब आगे भी जाके उसको फाइन ट्यून करना है इंप्रूव करना है जहां हम कुछ डिफिशियंसिज देखते हैं उसको हमने उसको हम रिजर्व uh, बैंक और इंस्टीट्यूशन के बीच थ्रू सुपरवाइजर्स हम उनको पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो है आपका एरिया इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरी, जरूरत है आप इसमें कुछ इंप्रूव करिए सर बट अदरवाइज आई थिंक ओवरऑल दवर्नेस स्टैंडर्ड्स द कंसिस्टिंग ऑफ वट आई सेट की रिस्क मैनेजमेंट द कंप्लायस कल्चर द इंटरनल ऑडिट एंड देंसिटिविटी टू द टू में रोबस्ट बैलेंस शीट दैट हैज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड बट you have to improve further. I mean, that applies to everyone in every situation.